प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञानधारा चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इतिहास विषय की अध्ययन श्रृंखला में हम इससे पूर्व 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और हमारा जो विषय तात्कालिक चल रहा है वो है गुप्तकालीन सामाजिक आर्थिक व सामाजिक स्थिति। ध्यान देना, यदि आप प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा, द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा व रीड यूपीएससी आरपीएससी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये इस श्रृंखला की सभी वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। संपूर्ण तैयारी के लिए आपको ये सभी श्रृंखला की वीडियो देखना अत्यावश्यक है। इससे पूर्व के भाग 7 में हम पढ़ चुके हैं कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त आदि प्रमुख गुप्तकालीन शासक के साथ ही गुप्तकालीन राजनीतिक स्थिति, गुप्तकाल के महत्वपूर्ण पदाधिकारी और इसी के साथ ही गुप्तकाल का समाज और उसकी आर्थिक स्थिति और गुप्तकाल में प्रमुख भूमिका वर्गीकरण। इन सब का यदि आप अध्ययन करना चाहते हैं तो इससे पूर्व के भाग 7 को अवश्य देखें, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इससे आगे आज हम अध्ययन करते हैं गुप्तकाल में कृषि का। गुप्तकाल में जो कृषि थी उसके लिए सिंचाई जो मुख्य साधन होता था वो होता था सिंचाई के लिए रहेंट या घटी यंत्र का। कृषि से जुड़े कार्यों को जो देखता था उसे कहा जाता था मां अक्ष पटलिक या कारणी। गुप्तकालीन कृषि फसलों का जो वर्णन किया है उसमें मुख्य रूप से वर्रामीर और अमर सिंह, इन दो उस समय के तात्कालिक रचनाकार है जिन्होंने गुप्तकाल में कृषि फसलों का वर्णन किया। और जिन कृषि फसलों का वर्णन किया है वो कृषि फसलें हैं गेहूं, चावल, जौ, गन्ना, मटर, मसूर, दाल और तिलहन। ये प्रमुख फसलें हैं जिनका उल्लेख गुप्त काल में मिलता है। अब बात करते हैं गुप्त काल के कुछ प्रमुख स्थल जो कि प्रमुख वस्तुओं के लिए पहचाने जाते थे, जाने जाते थे। यदि हम बंगाल की बात करें तो वो मलमल के लिए मशहूर था, धान के लिए कलिंग, ईंख के लिए मालवा और केसर के लिए कश्मीर उस समय प्रसिद्ध था। ये इससे अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। अब बात करते हैं कपड़ा उत्पादन के प्रमुख केंद्रों की। कपड़ा उत्पादन के लिए दशपुर, बनारस, मथुरा और कामरूप ये प्रसिद्ध थे। इत्सिंग के अनुसार गुप्त काल की जो प्रमुख फसलें थी वो थी चावल और जौ। कालिदास ने भी जिन फसलों का उल्लेख किया है उनमें नाम मिलता है ईंख और धान का। ध्यान देना, ये प्रश्न इस प्रकार से बनेंगे जिसमें पूछा जाएगा कालिदास के अनुसार गुप्त काल की प्रमुख फसलें जिनका उल्लेख कालिदास ने अपने ग्रंथों में किया है तो वो है ईंख और धान। अब बात करते हैं गुप्त काल के व्यापार और उद्योग की। तो गुप्त काल में ज्येष्ठक श्रेणी के प्रधान, श्रेणी का जो प्रधान होता था उसे कहा जाता था ज्येष्ठक। ज्येष्ठक का जो पद होता था वो हेरिडिटिकल चलता था, अनुवांशिक चलता था, उसका चुनाव करने की आवश्यकता नहीं होती थी। व्यापारिक जो समिति होती थी गुप्त काल में उसे निगम कहा जाता था और निगम का मुखिया होता था श्रेष्ठी। चीन से भारत का व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। चूंकि उस समय मुद्रा नहीं थी, मुद्रा का चलन विदेश में नहीं करते थे, इसलिए केवल वस्तु विनिमय ही होता था। गुप्त शासकों ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए। ये एक अलग महत्वपूर्ण प्रश्न है जो काफी परीक्षा में पूछा जा चुका है और वो सिक्के कहलाए दीनार। फायन के अनुसार विनिमय का साधन कोड़ियां भी हुआ करती थी। गुप्त काल में जो प्रमुख गुजरात जो प्रसिद्ध था वो था सूती वस्त्र के लिए। गुप्तकाल के जो प्रमुख बंदरगाह थे उनको हम दो भागों में बांट देते हैं, पूर्वी तट के बंदरगाह और पश्चिमी तट के बंदरगाह। ये प्रश्न बनता है। तो गुप्तकालीन जो पूर्वी तट के बंदरगाह थे वो थे ताम्रलिप्ति, घंटशाला और कदूरा। ये दक्षिण पूर्व एशिया से व्यापार करने में काम में लिए जाते थे। इसके अलावा पश्चिमी तट के जो बंदरगाह थे वो थे भृगु, कच्छ, कम्बे, सोपारा और कल्याण। भृगु कच्छ ये बड़ोज में पड़ता है, ये पश्चिमी एशिया के साथ व्यापार में प्रयुक्त किए जाते थे। गुप्तकाल में सिक्कों का भी ढेर मिला है और वो मिला है बयाना से। गुप्तकाल में व्यापारियों की जो संस्था थी उसे निगम कहा जाता था और शिल्पियों की जो संस्था है उसे श्रेणी कहा जाता था। अब बात करते हैं कुछ गुप्तकालीन मंदिरों की फिर से। हालांकि पहले गुप्तकाल में मंदिरों की चर्चा हम कर चुके हैं पर फिर जो इंपॉर्टेंट मंदिर है परीक्षा दृष्टि पर उनको रिवाइज कर लेते हैं। गुप्तकाल में जो प्रमुख मंदिर था वो था दशावतार मंदिर देवगढ़ झांसी मध्य प्रदेश में, विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में, शिव मंदिर खो नागोद मध्य प्रदेश में और भूमरा नागोद मध्य प्रदेश में। ध्यान देना, शिव का मंदिर दो जगह है, खो नागोद में भी, भूमरा नागोद में भी। पार्वती का मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश में, भीतर गांव का मंदिर कानपुर में है। यह ईंटों से निर्मित है। इनको हमने इसलिए एक जगह रखा है क्योंकि इससे संबंधित एक प्रश्न आवश्यक रूप से पूछा जाता है। अब बात करते हैं गुप्त काल की भारी विश्व के साथ में जो संबंध थे, भारत का जो गुप्त काल में सांस्कृतिक संबंध था भारी विश्व के साथ में उसकी। अब इसमें हम बात करें तो बृहत्तर भारत
बृहत्तर जो भारत है इसके अंतर्गत गणना की जाती थी मध्य एशिया की, दक्षिण पूर्व एशिया की, तिब्बत और चीन की। मध्य जो एशिया था इसके अंदर काशगर, यारकंद, खोतान, कूची, काराशहर आदि देश आते थे। मध्य एशिया के देशों में भारतीय संस्कृति में के प्रमुख केंद्र थे कूची और दक्षिण खेतान। खोतान भारतीय भाषा व लिपि में प्राप्त हुए। ध्यान देना, ये प्रश्न बन सकता है कि किसके लेख भारतीय भाषा व लिपि में प्राप्त हुए, वो था खोतान के। इस खोतान जो उपनिवेश था इसका निर्माण किया था कुणाल, कुणाल थे अशोक के पुत्र उन्होंने। और खोतान का जो गौतमी विहार है ये मध्य एशिया का सबसे बड़ा बौद्ध विहार भी माना जाता है। अब बात करते हैं धर्म क्षेत्र की। धर्म क्षेत्र एक चीनी बौद्ध विद्वान था। यह चीन से खोतान 453 ईस्वी में आया और इसका कारण यही था कि महान परिनिर्वाण सूत्र की पांडुलिपि की खोज करने के लिए यह चीन से खोतान आया। मध्य एशिया के उत्तर में स्थित बौद्ध सभ्यता का जो प्रमुख केंद्र था वो कूची था। बौद्ध धर्म के प्रचार से भारत के संपर्क मध्य एशिया, चीन, श्रीलंका, बर्मा आदि देशों के साथ भी हुए। अशोक के शासनकाल में बौद्ध धर्म प्रचारक जो है श्रीलंका गए, भेजे गए थे और ईसा की प्रथम शती में बौद्ध प्रचार भारत से बर्मा की ओर भी हुआ। बर्मा के लोगों ने बौद्ध को थेरवाद के रूप में विकास किया। ध्यान देना, बर्मा के लोगों ने बौद्ध धर्म जो था इसका विकास थेर के रूप में किया। बौद्ध मंदिरों में बुद्ध की मूर्तियों के अलावा समृद्ध बौद्ध साहित्य की रचना बर्मा और श्रीलंका में भी की गई। बड़ी संख्या में बौद्ध अनुयायी बर्मा और श्रीलंका में मौजूद थे। प्राचीन काल में बौद्ध धर्म को दो प्रमुख केंद्र भी बने और वो थे अफगानिस्तान और मध्य एशिया। अफगानिस्तान में बुद्ध मूर्तियों और बौद्ध विहारों के अवशेष के लिए जो जगह प्रसिद्ध है, स्थान प्रसिद्ध है, वो है बेग्रांग और बोमियान। मौर्यों के पश्चात भारत पर विदेशी आक्रमण किए यूनानियों ने, शकों ने, पहलव, यूची आदि, और ये सारी की सारी जो जातियां थी ये मध्य एशिया से बिलोंग करती थी। जब ये भारत के शासक बने तो इनके द्वारा भारतीय संस्कृति मध्य एशिया तक पहुंचा दी गई। मध्य एशिया से प्राप्त अवशेष जिनमें स्तूप, विहार, संस्कृत ग्रंथ, पाली ग्रंथ, भारत मूर्तियां इत्यादि है, इनसे हमें इन सब की जानकारी प्राप्त होती है। चीन के अनेक राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को अपना राज धर्म घोषित किया था। चीन का बौद्ध काल जो है वो तांग का काल। ध्यान देना, तांग जो चीन के शासक हुए उनके शासनकाल को बौद्ध धर्म का, चीन का बौद्ध काल भी कहा जाता है। मध्य एशिया के प्रमुख बौद्ध प्रचारक थे धर्मरक्ष और कुमारजीव। अनेक चीनी यात्रियों ने बौद्ध ग्रंथों की प्रतियां लेने और बौद्ध स्थलों के दर्शन के लिए भारत की यात्रा की और इनमें प्रमुख चीनी यात्री थे फाइयान, हेनशांग और इत्सिंग। अजंता की गुफा जो चित्र है इनके समान ही चीन से भी हमें गुफा चित्र प्राप्त हुए और वो प्राप्त हुए हैं तुल हुआंग से। चीन के पगोड़ा नकल जो प्रतीत होते हैं वो भारतीय स्तूपों की होते हैं। ध्यान देना, चीन में जो पगोड़ा बहुत प्रसिद्ध है वो ऐसा लगता है मानो भारतीय स्तूपों की ही उनमें नकल की गई हो। हेनशांग जो चीनी शासक ने पश्चिम में अपने राजदूत भेजे और उनके साथ कुछ बौद्ध भिक्षु भी गए हुए थे, धर्मरत्न और काश्यप मातंग। इनके रहने के लिए जो है श्वेताश्व विहार इत्यादि का निर्माण करवाया गया। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति के प्रचार और प्रसार की। दक्षिण पूर्व के देश जिनमें भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ वो मुख्य रूप से थे इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और बर्मा। इन्हें सामूहिक रूप से हिंद चीन भी कहा जाता था। भारतीयों का प्रमुख उपनिवेश जो स्थापित हुआ वो स्वर्णद्वीप अर्थात इंडोनेशिया में स्थापित हुआ। इस क्षेत्र के प्रमुख द्वीप समूह है मलाया, जावा, सुमात्रा, बोर्निया, बाली और मलक्का। मलाया में हिंदू राज्य की स्थापना शैलेंद्र ने की। शैलेंद्र साम्राज्य ने मैत्रीपूर्ण संबंध पाल व चोल आदि शासकों के साथ भी स्थापित किए। शैलेंद्र शासकों ने धर्म को प्रशय दिया हीन यानी बौद्ध धर्म को। विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध जो मंदिर है वो बोरोबुदर का है। ध्यान देना, बोरोबुदर के जो विशाल बौद्ध मंदिर है इनका निर्माण शैलेंद्र शासकों ने ही करवाया और ये 8वीं शताब्दी के आसपास का माना जाता है। जावा में हिंदू राज्य की स्थापना 4थी शताब्दी के आसपास हुई और शैलेंद्र शासकों का उदय 8वीं शताब्दी के आसपास हुआ। 8वीं शताब्दी में जावा राज्य शैलेंद्र शासकों के कारण ही प्रभाव में आया और जावा राज्य का जो प्रसिद्ध राजा बना वो था पूर्णवर्मन। पूर्णवर्मन द्वारा गोमती नहर की खुदवाई कराई गई और सुमात्रा में हिंदू राज्य की स्थापना श्री विजय ने की।
चौथी शताब्दी के आसपास। थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा बड़ा विषय है, अधिक संकलन किया गया है, इसलिए थोड़ा स्पीड से तेजी से ले रहे हैं इसको, थोड़ा ध्यान से देखते जाना। सुमात्रा में हिंदू राज की स्थापना चौथी शताब्दी में श्री विजय ने की। इसके अलावा बोली व बार्मिया में भी हिंदू राज की स्थापना छठी शताब्दी में की गई। मलक्का के हिंदू राज की स्थापना 15वीं शताब्दी में की गई। अब बात करते हैं स्वर्ण भूमि बर्मा की। बर्मा का प्राचीन नाम था स्वर्ण भूमि। कंबुज या कंबोडिया को चीनी लोग फुनान कहते थे, ये चीनी भाषा का शब्द है फुनान। फुनान हिंदू राज की स्थापना का उल्लेख हमें दक्षिण ताई के इतिहास में मिलता है, जो 5वीं शताब्दी के आसपास का है। अन्नाम, अन्नाम नाम है प्राचीन चंपायांग द्वीप का। अन्नाम में हिंदू राज की स्थापना श्रीमार ने की, और अन्नाम के जो शिव मंदिर हैं वो मैसन मंदिर और पो नगर का मंदिर प्रसिद्ध है। अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है ये कंबोज में स्थित है। इसके निर्माता सूर्य वर्मन थे, जो कंबोज के शासक थे, और उन्होंने 1113 से 1145 ईस्वी के आसपास इसकी स्थापना की। इंडो जावती साहित्य, प्राचीन काल में जावा वासियों द्वारा इसकी रचना की गई थी। भारतीय साहित्य के अनुकरण पर निर्मित साहित्य ये प्रतीत होता है। अब बात करते हैं ऐहोल शिलालेख की। ऐहोल जो लेख है इसमें कालिदास का नाम भी मिलता है, एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। रामायण महाभारत का अंतिम रूप से संपादन गुप्त काल में ही किया गया, इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में हमें जहांगीर जो मुगल शासक है इसका लेख का उत्कीर्ण मिला है। इत सिंह के अनुसार श्री गुप्त ने मृग शिखवन स्थान पर चीनी बौद्ध तीर्थ यात्रियों के लिए एक मंदिर का निर्माण करवाया। नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी हेन स्वांग ने, एक अलग प्रश्न है, ये थोड़ा ध्यान से देख लेना। तंजोर का विशाल शिव मंदिर, ये बहुत महत्वपूर्ण, टिक करके रखना इसको, ये राज राजा ने इसका निर्माण कराया। और गुप्त काल के जो प्रमुख स्मारक इसको अंतिम रूप से फिर देख लेते हैं, इनमें बाघ की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, शीतन वसल मंदिर, सिगरिया शैलकृत मंदिर जो कि श्रीलंका में। इस प्रकार से प्रथम श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा के सिलेबस पाठ्यक्रम इतिहास जो कि 30 अंक का है, उसमें जो दूसरा बिंदु था गुप्त काल का सामाजिक सांस्कृतिक विकास, ये आज यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे के भाग 9 में हम इतिहास विषय के जो टॉपिक 3 है प्राचीन व ब्रिटिश भारत में शिक्षा, इसका अध्ययन करेंगे। संपूर्ण तैयारी के लिए हमारे इस ज्ञानधारा चैनल की श्रृंखला के सभी वीडियो को नियमित रूप से देखते रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।